तो सात विधानसभाओं के उपचुनाव में मैं समस्त मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि मतदान अवश्य करें, अपना समय निकालकर शीघ्र मतदान केंद्र पर पहुँचें ताकि आपका मतदान हो सके। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि इसमें लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं। वोटरूम बनाया गया है, कितनी कुछ शिकायतें आ रही हैं, किस तरह डिजिटल किया जा रहा है, किस तरह? मैं सोचता हूँ कि सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कहीं पर किसी प्रकार से कोई अप्रिय सूचना नहीं है, और ये अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए। और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, मतदाता भी उत्साह से जा रहे हैं, और जो नहीं पहुँच पाए उनसे ही मेरा निवेदन है कि वो भी समय पर पहुँच के अपना मतदान करें। पार्टी तरफ से वोटरूम बनाया गया, उसमें किस तरह से वोटरूम की जा रही है? वो केवल मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मतदान अवश्य करें, बाकी निगरानी रखना शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो तो उसको रिपेयर किया जा सके, समझाया जा सके, शांति से समन्वय स्थापित किया जा सके, केवल इतना ही और कुछ नहीं। हाँ, ये बात तो हमने पहले भी कही है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन अब चूंकि इस समय मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अब समय लंच का हो गया है, तो मैं ये कहूँ कि जलपान मत करो तो फिर और नाराज हो जाएंगे कि अब तो जाने दो हमको। शादियों की वजह से मतदान प्रतिशत कम देखने को मिल रहा है। मैं सोचता हूँ मतदान प्रतिशत कम नहीं है, इस समय 27 के आसपास हो गया है, मतलब अभी अभी चढ़ेगा, क्योंकि हमारा ये जिन क्षेत्रों में मतदान है ना, विशेष रूप से जो पहाड़ी बेल्ट है उसमें लोगों को मतदान केंद्र तक आने में थोड़ा समय तो लगता ही लगता है, लेकिन फिर भी रुझान है और ठीक लगता है मुझे। मुझे लगता है मतदान प्रतिशत हालांकि होना तो चाहिए, हमें 100% हम चाहते हैं मतदान हो, लेकिन आम तौर पर जो देखा गया है कि 60 से 70-80 के आसपास का मतदान अक्सर आया है, पर ये जो हमें देखने में मिला है कई स्थानों पर और भी अच्छा होता है, उत्साह है मतलब इस बार। हाँ, मतदान सभी चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि जाए चुन करके, ऐसे भी चाहिए।